हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज अलजेब्रा का हम मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अब दोस्तों हमारी होती है, जैसे आपको फंक्शन दे दिया हमें एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है भाई। इसकी मैक्सिमम क्या होगी, यानी कि एक्स वाई अगर वो पूछ ले, आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में ये, और आपको पूछ ले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करना है आपको, आपको एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी लेनी है कि वो मैक्सिमम हो और उनका जो सम है वो 9 के इक्वल हो। तो कैसे करेंगे हम, तो 9 एक और 8 ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मतलब कि इसके हम फैक्टर कर लेंगे ऐसे कि सम होकर तो हमारा 9 दे, और मल्टीप्लिकेशन होकर हम मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाए। 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5 भाई सम होकर 9 है, और 4.5 × 4.5 हो सकता है, 4 × 2 = 8 और 1 = 9। अब आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो इसकी 8 है, इसकी 14 आएगी, इसकी 18 और इसकी 20, और इसकी कितनी आएगी भाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम 4.5 और 4.5 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना मिलता है, 20.25। तो आपको देखने से ही मालूम होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, ये। तो यानी कि x की वैल्यू हम 4.5 और y की वैल्यू भी हम 4.5 ले, तो हमें मैक्सिमम मान मिल जाएगा, और वो कितना होगा, 20.25। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 दे दिया गया, और आपको पूछ लिया जाए कि भाई एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। वही फिर से करना है भाई, 16 को इस तरीके से रखिए कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। इसका फंडा और है, जब मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए हाफ हाफ का होना ज़रूरी है, जैसे 16/2 यानी कि 8, तो 8 × 8 कर लीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 64, तो यानी कि कितना होगा आंसर, 64। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, अब आपको दे दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 के हैं, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है अब की बार मैक्सिमम x इंटू वाई इंटू जेड। तो x y z की हम क्या वैल्यू लें कि इनकी तीनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, तो वही 9 को अब की बार हमें कितने टर्म्स दे दिए, 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 3, यानी कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो कितनी आएगी, 27। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी जो होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपको दे दिया जाए कि भाई a प्लस बी हमारा x के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो भाई हम क्या ले सकते हैं इसको, x बाई टू प्लस एक्स बाई टू, यानी कि ए और बी, ये भी एक्स बाई टू होना चाहिए और बी भी एक्स बाई टू होने, तभी तो हमें एक्स मिलता है। तो इसी तरीके से वही जितने टर्म्स होंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था 3 टर्म्स थे, तो 3 से डिवाइड कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे आपको दे दिया गया कि भाई फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया हुआ है 21 के इक्वल, और आपको पूछ रहा है कि एक्स माइनस 3, वाई माइनस 2 और जेड माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स में से 3 माइनस होता है, मतलब कि 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स माइनस 3, इसी तरीके से y माइनस 2, जेड माइनस 1, यानी कि माइनस कितना हो रहा है, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि माइनस 6 हो रहा है हमारा।
लेकिन उधर कितना है हमारा, 21 है, तो 21 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 15। ठीक है फ्रेंड्स, 15। इसी तरीके से इसको हम, और हमें करना क्या है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यानी कि एक्स माइनस थ्री, वाई माइनस टू और जेड माइनस वन। तो इसकी क्या वैल्यू लें कि इसकी मैक्सिमम आई, वही 5 5 5, क्योंकि 15 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 5 5 5। तो जब 5 × 5 × 5 कितना हमें मिलेगा, हमें 125। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया इस फंक्शन का। अब दोस्तों जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 26 के हैं, तो वही ए माइनस फोर, बी माइनस थ्री, सी माइनस टू और डी माइनस वन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब वही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ये -4 -3 -2 -1 कितना हुआ, 4 3 7 और दोनों और एक 10। अब 26 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 16। अब करना क्या है, ये आपको अब की बार कितने वेरिएबल दे दिए, 4, तो 16 को 4 भागों में इस तरीके से तोड़िए कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, यानी कि 16 बाई 4, 4 आएगा तो 4 को 4 भागों में, 4 4 4 4। और इनकी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें करनी क्या होगा, 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 × 16, 4 × 16 तो कितना आंसर आ गया हमारा, 216। अरे नहीं, 16 16 यार, 256। ठीक है फ्रेंड्स, 256। अभी इस तरीके से अब दोस्तों आपको दे दिया जाए जैसे क्वाड, अब आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कोई इक्वेशन आपको, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको इसकी दो कंडीशन होती है, इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी पूछ लेगा, उसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट, अगर ए हमारा 0 से बड़ा है तो इसमें आपको वो मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, तो उस कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी उसका जो फॉर्मूला है 4ac − b² अपॉन 4a, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड है इसका, अगर आपका a 0 से छोटा है यानी कि माइनस में है, तो उसमें उस केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा वो, तो उसका भी जो सेम फॉर्मूला है वो है 4ac − b² अपॉन 4a, और यहाँ पर आपकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, हाँ बस आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब आपको जैसे दे दिया जाए कि x² − x + 1, आपको इसकी मैम, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है हमारा, ए इसका कोफिशियंट होता है x² का, तो कितना है, 0 से बड़ा है, तो इसकी केवल हम मिनिमम वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं, और वो भी आपको मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो ए यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या था, 4ac − b² / 4a। ए हमारा क्या था, x² का कोफिशियंट, तो कितना है वो, 1। सी कितना है यहाँ पर, जो कांस्टेंट था वो सी कांस्टेंट हमारा कितना है, 1। बी बी किसका कांस्टेंट था, एक्स का, तो ये कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, 4 × 1, तो कितनी आई इसका आंसर, यानी कि 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो -1/4, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक तरीका होता होता है डिफरेंशिएशन का, जो कि हम 11th 12th में यूज़ करते हैं। अब जैसे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, यह हमने फंक्शन किसके इक्वल मान लिया, वाई के, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका dy/dx किया हमने,
तो कितना है 2x माइनस 1। और इसको हमारी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो कितनी आएगी 1/2। और जो हमारी x की वैल्यू आई वो हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी कि y की, y यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू। तो जब ऊपर वाले फंक्शन में हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। तो नीचे हमारा एलसीएम कितना आएगा 4, 1 माइनस 2, ये कितना आएगा 4। तो कितना हुआ 4 अधिक 5, पाँच में से जब हमारा 2 माइनस का होगा तो कितना आएगा 3/4। तो ये मिनिमम वैल्यू बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों यही हमारा आज के लिए। और जैसे हम आपको मैं बता दूं कि अगर हमारा ए ए हमारा 0 से छोटा हुआ तो इक्वेशन बनेगी हमारी जैसे ये, आपको पूछ लेगा कि इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। तो मैक्सिमम वही कि भाई 4ac - b² / 4a, तो किसके इक्वल होगा a माइनस 1 इंटू सी, कॉन्स्टेंट है 1, माइनस बी, बी का कॉन्स्टेंट 1, तो इसका स्क्वायर अपॉन 4 - -1। तो कितना आएगा -4 - 1/-4। दोस्तों -5 - -4, तो कितना आ गया। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई वो ये आई आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।